मीणा हमारे साथ, राज्य मंत्री मुरारी जी शपथ ले ली है, अब पोर्टफोलियो का इंतजार। दौसा पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है सर, ऐसा जो भी जिम्मेदारी हमको मिलेगी उसको बड़ी गंभीर पने से जनता के हित में निभाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, पायलट साहब भी कह रहे हैं कि 2023 में फिर से सत्ता में लौटना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को जमीन पर। बिल्कुल, हम दौसा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, अभी हमारे 11 में से 10 प्रधान बने, जिला प्रमुख बना, हम और मेहनत करेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर कोई बातचीत सर? जो मिलेगा उसको गंभीरता से काम करेंगे। बिल्कुल, सचिन पायलट कैंप के और प्रताप जी यहाँ से निकलते हुए, प्रताप जी क्या जो मंत्री हैं यथावत उनमें कुछ विभागों में बदलाव लग रहा है? देखिए अब क्या होगा, सब मुख्यमंत्री जी को करना है, लीडर तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, जो जिम्मेदारी वो देंगे वो सब सामने आ जाएगी जल्दी, तो सब स्पष्ट हो गया। अब तो जिम्मेदारी विभाग देना मुख्यमंत्री जी की। लेकिन ये फेरबदल ठीक लग रहा है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश में कामयाब रहे? निश्चित रूप से, बहुत दिनों से चल रहा था, अभी ये कम से कम ये सारी बात खत्म हो गई, अब सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। कब तक पोर्टफोलियो कब तक आ रहे हैं? वो तो अब मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कब आएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास की मुस्कुराहट काफी सुशांत जी, ये तो यक्ष प्रश्न बना हुआ है, पोर्टफोलियो कब तक आएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि कभी भी आ सकता है, आज ही आएगा, आप बने रहेगा सुशांत। अंकित तिवारी भी हमारे संवाददाता।